शांत। बट यहाँ पे आपको अमूल के ऑर्गेनिक्स वगैरह जो चने वगैरह हैं, जैसे मैं आज कोशिश करूँगा कि जितने भी दुकान वगैरह था मैं आपको, या जितने भी कुजीन्स वगैरह है मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर करा दूँ, एंड के कपड़े वगैरह एंड फूड वगैरह और आपके हैंडमेड क्राफ्ट्स, इसके अलावा आपके बैगिंग एंड आपके प्राइवेट रूम से लेकर आपके मेन हॉल रूम से लेकर आपके किचन एंड आपके पर्सनल जो रूम वगैरह है ये, तो यहाँ पे आपका एस्थेटिक रग्स वगैरह रखे है, तो यहाँ पे लैंटर्न्स भी लगे हुए, देखो कप्स वगैरह सारे मार्बल्स के बने हुए हैं। इवन देखो ये टॉर्टोइस वगैरह, पता नहीं एक चीज़ में समझ नहीं आता लड़कियों का, कोई भी चमकदारी चीज़ वगैरह दिख जाए तो उसमें पकड़ के बैठ जाते हैं। इस एंटिक्स कलेक्शन, तो शायद जब मम्मी आती तो इस जोन को भी देख के मतलब खुश जाती है। ये है आपका पूरा डेडिकेटेड अपने गॉड्स वगैरह को, देखो इतने सारे बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा जस्ट इमेजिन। हे व्हाट्सअप माई टी फैमिली, क्या हाल चाल। ये देहरादून का पर्सनल मेन रोड है जहाँ से हम चल रहे हैं विरासत कल्चर फेस्टिवल की तरफ। ये है अपना विरासत का मेला, एंड जहाँ से आपका ये भीड़ अगर देख रहे हैं पता चल रहा है कि लोग आए तो यहाँ पे मेला कम एंड ज़्यादा ऐसा लग रहा है। तो वैसे अभी एक अच्छी सी स्पॉट ढूंढता, पहले वहाँ जाके थोड़ा हाइक करके तब बात करेंगे कि जोड़ा मतलब है भाई। एक दे दीजिए चौकन भीड़े हैं यहाँ पे कि आप लेफ्ट या राइट देखोगे। सो अभी मैं आपको लेफ्ट साइड स्टार्ट कर रहा हूँ, इस मेले पे एक्सप्लोर करेंगे कि कितना हो सके, एंड आई विल शो यू एज फार पॉसिबल कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो लगा है यहाँ पे अमूल का, ये क्या है, मतलब मुझे लगा अमूल खाली आइसक्रीम वगैरह होंगे, बट यहाँ पे आपको अमूल के ऑर्गेनिक्स वगैरह जो चने वगैरह एंड ये सब अवेलेबल है। अमूल का होता है खाली किसके लिए होता है, फेमस अपने आइसक्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, बट इसके अलावा इन्होंने अपनी हेल्दी चीज़ भी रखी इधर, एंड ये सोडा गुजराती लिप रोड, ये क्या गुजराती है। सो ये है आपका राजस्थानी फूड स्टॉल। एक चीज़ अच्छा है कि इस मेले में आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्विज़ीन मिल जाएंगे खाने के लिए। आप जैसे कोई भी लवर राजस्थान के या जो भी किसी भी मतलब स्टेट के फूड से आप ज़्यादा वो हो क्या बोलते हो अट्रैक्ट हो तो यहाँ पे आके आप क्विज़ीन्स को ट्राई कर सकते हो। एंड वैसे मैं आज कोशिश करूँगा कि जितने भी दुकान वगैरह था मैं आपको, या जितने भी क्विज़ीन्स वगैरह है मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर करा दूँ। एंड मैंने मैं आपके जब ये विरासत के बारे में बताऊँ तो जो आपका ये विरासत का मेला है ये आपका स्टार्ट हुआ था अराउंड 14 अक्टूबर से,
एंड ये चलेगा आपका अराउंड 29 अक्टूबर तक। तो जो आपका विरासत का मेला है ना, एक्चुअली ये होता है आपके हर साल होता है वो, एंड लगभग ये 10 से लेकर 15 या 20 दिन के आसपास होता है आपका ये जो चलता है यहाँ पे फेस्ट। तो आप इस आप कपड़े के शौकीन हो, ये क्या है ये अप्लायंस, तो ये न्यू, तो ये आपके टैप्स वाटर के क्या है कनेक्टर्स है। तो इससे आप किस तरह से आपको पानी हो फोर्स में चाहिए या आप अपने व्हीकल को धोने के लिए रखते हो ना, इसके लिए काम आएगा सर। तो वाइपर्स यहाँ पे आपके वास लगे डिफरेंट डिफरेंट, आपको इफ़ आपको अपने घर वगैरह डेकोरेट करना है तो यहाँ पे आके यू कैन चेक आउट। एंड ये अभी हाँ इससे देखकर भी याद आया कि अभी अपना दीपावली भी आने वाला है, तो इसके लिए आप अलग अलग के दिए वगैरह यहाँ आके ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपके रिबन्स, शौकीन हो तो आप ला सकते हैं। सो अभी हमें ये पसंद आ गया तो हम अभी ये बाय करने वाले हैं। एंड ये टोकरी होगी फुल मेरे भैया 200 ना ठीक भाई जान। सो अपना पहला सामान ले लिया एंड कुछ इस तरह का चीज़ है थी हाँ, ये क्या कर लिया इसमें जो भी है लड़कियों की चीज़। सो आपके जो ये मेला में है क्या कि आपको ऑल ओवर द इंडियन स्टेट से आके अलग अलग कलर के कपड़े वगैरह एंड फूड वगैरह और आपके हैंडमेड क्राफ्ट्स, इसके अलावा आपके बैगिंग्स एंड सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वो भी अच्छे पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस वगैरह है, इतने कॉस्टली भी नहीं है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो आपके यहाँ पे हैंडमेड पोर्ट्रीज वगैरह एंड वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे जो भी है यहाँ पे अलग अलग जगह से एंड आए देखिए मैं क्या मस्त लग रहा थे। यहाँ पे आपको सब बहुत सारे होम डेकोर की चीज़ मिल जाएंगे आपके प्राइवेट रूम से लेकर आपके मेन हॉल रूम से लेकर आपके किचन्स एंड आपके पर्सनल जो रूम वगैरह है, अगर आपके अकॉर्डिंग आपके थीम को सूट करता है तो इस तरह से आप यहाँ के आकर डेकोर का भी यहाँ पे ले सकते हो, खरीद सकते हो। तो आपको यहाँ पे वुडन पीस वगैरह एंड मेटल से लेकर आपको मिट्टी के वगैरह सारे बर्तन अवेलेबल होंगे। एंड अच्छा यहाँ पे देखो आपके डाइनिंग सेट के लिए भी यहाँ पे ये कुर्सी वगैरह अवेलेबल है, इफ़ आपके कलेक्शन में आप डालना चाहते हो तो ये यहाँ आके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो जनरली आपका जो है ना यहाँ पे जो डिज़ाइन वगैरह वो आपके अलग अलग स्टेट के अलग अलग आर्किटेक्चर एंड जो भी है क्रिएटर्स उन्होंने बनाया है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि हैंडमेड कैसा होता है। एंड आप अगर आप पसंद आए तो आप उसको ले भी सकते हो। कॉर्नर को हम करेंगे एक्सप्लोर एंड यहाँ पे है पेंटिंग्स वगैरह, तो ये है आपके पेंट्स पेंटिंग पेंट जोन एंड यहाँ पे कपड़े आपके स्टाइलिश क्लियर है। तो जमीन जब मैंने देखा कि जिस तरह से मैक्सिमम आपके मार्केट में क्या होता है ना, तो लेडीज़ लोग के लिए ज़्यादा आपके ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, तो पता नहीं हमारे जेंट्स को इतना वो की करते हैं आपको, मतलब इतने अच्छे कपड़े वगैरह, मतलब अच्छे कपड़े होते हैं बट कुछ लिमिटेड एडिशन रहती है, लड़की वगैरह वैरायटी कुछ ज़्यादा होता है। तो है आपका मंजिल जोन, यमिन जोन, ये आपका कल्चर मिला है वैसे जो आपका ये मेला होता है ना, इस तरह जो आपका ये मेला है ना, ये आपके शाम को भीड़ रहता है क्योंकि ये दिन में अगर आप आओगे ना इफ यू वांट क्राउड देन उस टाइम आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर क्राउड नहीं मिलेगा इतना। एंड जनरली ये आपका वैसे मेला स्टार्ट होता है सुबह के 10 से एंड रात के लगभग 10 बजे के आसपास ये ख़त्म होता है, और जो स्टार्टिंग के वीडियो में हमने देख लिया होगा कि जो यहाँ पे क्राउड थी ना, इतना क्राउड है यहाँ पे कि जो रास्तों में जाम लग गया, इवन पार्किंग एरिया ना पूरा ओवरफ्लो हो चुका है, तो गाड़ियाँ ऐसे मेन रोड में लोगों ने पार्क कर रखी है,
एंड इसके अलावा जो आपका ये फेस्ट था लगभग 15 डेज या 20 डेज के अराउंड चलती है, एंड ये हर अक्टूबर में हर दशहरा के बाद चलता है एंड दिवाली के बीच में चलता है। तो इफ यू हैव कम इन देहरादून दैन यू कैन विजिट दिस प्लेस एंड ये हर साल लगता है। तो यहाँ पे देखो एनमेंट्स प्रोडक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आपके है यहाँ पे इंडोर भैया, वैसे ये क्या दरवाजा क्या है, वैसे दरवाजे का है क्या ये? तो यहाँ पे ऐसे कुछ तरह से लगा है देखो, यू कैन सी। एंड मैंने उनसे पूछा बट दे वांट टू रिप्लाई, तो अब क्या कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे आपका एस्थेटिक रग्स वगैरह रखे है, तो आपके ये जो भी अपने रूम प्राइवेट रूम या आप कोई भी अपने एरिया में रख सकते हो, तो यहाँ पे ये भी अवेलेबल है, तो अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन बाई इट। इसके अलावा आपके ये मैट भी लगे हैं। तो ये तो था आपका, मैं अभी अपने ये विरासत के लेफ्ट साइड पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो नाउ वी आर हेडिंग टू द राइट साइड ऑफ द विरासत के, वहाँ पे क्या लगा। एंड बीच में जो आपके ना वहाँ पे स्टेट है, वहाँ पे बीच में आपके जो कल्चर वगैरह एंड जो आपके फोक डांस एंड म्यूजिक्स वगैरह ट्रेडिशनल म्यूजिक उस चीज़ का भी यहाँ पे प्रदर्शन होता है। एंड अभी भी देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ आ रखे, तो अभी चलते हैं अभी लेफ्ट साइड ऑफ द दिस मेला एंड वहाँ पे देखते क्या होता है। कचोरी क्राइसिस, वैसे यहाँ पे मैक्सिमम लोग को देखा जाएगा तो वहाँ पे शॉपिंग कम, ऐसे ही घूमने आ जाते हैं मेरी तरह। एंड यहाँ इंडिया में यही है ना बस स्टेज जो आपके अराउंड जो भी आपके परफॉर्मेंस वगैरह है वो शाम के 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इफ़ यू हैव दैट इंटरेस्ट कि आपको यहाँ के ट्रेडिशन वगैरह जानने वगैरह है एंड इसके बारे में आपको जानना वगैरह है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड जस्ट ये हर शाम को लगभग 6 या 5 बजे के आसपास शुरू हो जाता है ये चीज़। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं हुआ, अगर बीच में हो गया तो मैं आपको दिखा दूँगा। और अभी देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोग वगैरह है यहाँ पे आए हैं एंड सारे देखो। तो अभी आप हम आगे है अभी लेफ्ट साइड ऑफ, यानी कि राइट साइड जो मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिया था, नाउ लेफ्ट साइड जा रहे हैं। एंड ऐसे आपको बता दूँ कि राइट नाउ जो मैंने स्पेक लगाया है ना, तो एक्चुअली ये सोच रहे होंगे कि आपके भाई ने स्पेक क्यों लगाया, बट ये है आपका जो ग्लेयर, यानी कि जो लाइट के डायरेक्ट ग्लेयर को कम करता है, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। एंड आसपास आप इवन देख रहे हो कि दुकानों में लाइट लगी हुई है, इसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट आँख में असर पड़ता है, तो जो ये मेरा स्पेक है इस चीज़ को कम करता है। और जिन्होंने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो अभी जाके उस व्लॉग को देख सकते हो। यहाँ पे लैंटर्न्स भी लगे हुए देखो, लालटेन, और ये इसे क्या बोलते हैं, राजस्थानी एडिशन ये क्या है इसका तो कोई आइडिया नहीं मुझे यार। चलो एंड लैंटर्न जोन, और ये है अपना बुकी एरिया, बुकी बोलते हैं इसको, और ये सारे प्लास्टिक के हैं पर तो देखने बहुत सुंदर लग रहे हैं। एंड ये है चप्पल्स, पेंटिंग्स, स्लीपर्स वगैरह। एंड ये क्या है, ये है आपके सुंदरी सुपारी, मतलब सुपारी भंडार वगैरह का है। तो वैसे इस चीज़ में इंटरेस्ट तो है नहीं मुझे, तो आई विल नॉट ट्राई दैट। एंड अभी तक मेरे आँख को लुभाने वाली चीज़ दिखी नहीं, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। तो ऐसे कुछ तो ये एरिया है अपना आगरा का, वैसे आपको बता दूँ जो आगरा के पेठे बहुत मशहूर रहते हैं। एंड यहाँ पर लगे हैं तो जितने भी यहाँ पे आपके स्टॉल जितने भी शॉप दुकान लगी हैं ये सारे ऑथेंटिकेट वाले दुकान हैं। तो ये सारे हैं आपके यहाँ पे मार्बल्स के आइटम्स, तो यहाँ पे सारे मार्बल्स के, ठीक है देखो कप्स वगैरह सारे मार्बल्स के बने हुए हैं। इवन देखो ये टॉर्टोइस वगैरह यानी हाथी, ये सारे मार्बल्स मेड है। ये वास वगैरह हो गया, तो ये सारे हैंडक्राफ्ट भाई, ये हाथ से बनाया है क्या भैया, ये हाथ से बनाया हुआ है? तो ये सारे हैंडमेड है, तो सोचो इसमें कितना मेहनत लगा होगा बनाने के लिए। वाह, अपने से ये काम तो होगा ही नहीं। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं अभी, तो यहाँ पे और भी दुकान वगैरह है। एंड ये लाइन थोड़ा सा अच्छा, देखो सारे टेंट एक ही शीत के लगे हुए हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है। एंड आपके यहाँ पे अचार की दुकान, तो ये क्या है बट आई डोंट नो, बट देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।
एंड पता नहीं, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता, लड़कियों का एक चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, कोई भी चमकदारी चीज़ वाले दिख जाए तो उसमें पकड़ के बैठ जाते हैं। तो अभी हम देखे रहे इस दुकान में बैठे हैं एंड आप ये 3D पेंटिंग इस एंटिक्स कलेक्शन, सो दोस्त है आपका शौक, जिसका शौकीन है एंटिक्स वगैरह को, तो यहाँ पे आकर देख सकते हो एंड यू कैन हैव ऑन देम ऑन योर कलेक्शंस। तो ये क्या है, ये आपके है अगेंस्ट पैक टेबल वगैरह अपने होम डेकोर के लिए एंड मैट्स वगैरह एंड ये है आपके बॉम्बू के थोड़े से हैंडमेड क्राफ्ट्स, बैम्बू दिस बैम्बू के हैंड क्राफ्ट्स। ये है आपके बुक जोन, सॉरी ओके। तो जो आप में से कोई अगर बुक लवर्स है आके अपना एक ट्राई देख सकते हो, यहाँ अलग अलग वैरायटी के बुक इतने सारे, आपको अपना चॉइस पक्का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके शायद अगर मम्मी आती तो इस जोन को भी देख के मतलब खुश हो जाती। ये है आपका पूरा डेडिकेटेड अपने गॉड्स वगैरह को, देखो ये अपने हिंदू मैथिलस के गॉड्स वगैरह यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए एंड अरे वो कहाँ गए, तो वो रही, इसको वैसे बुक पढ़ने का बहुत शौक है, तो ये तो यहाँ पे शुरू हो गई पढ़ना फिर। वैसे अपने आप को तो कभी बुक का शौक नहीं रहा, बस छोटे में पढ़ी थी मार्वल सी कॉमिक वगैरह, इसके अलावा कुछ पढ़ते नहीं हम, और ऐसे ही अभी अपना स्कूल भी ख़त्म हो गया एंड कभी बुक नहीं पढ़ी मैंने। अब देखते ये क्या कर रही थे बैठ के। तो ऐसे आपको मैक्सिमम देखेंगे हर जगह आपको लड़के लड़कियाँ होंगे जो मतलब बुक्स के स्टोर में ज़्यादा देखेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ज़्यादा लड़कियाँ दिखाई देंगी बिकॉज दे आर फॉन्ड ऑफ द बुक्स, उनको पढ़ना बहुत पसंद है एंड हम जैसे लड़कों को बस गेमिंग में और अपने ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान रहता है ना। ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब जो बुक्स लड़के पढ़ते ऐसी बात नहीं, काफ़ी लोग मतलब बड़े बड़े लोग पढ़ते, बट एवरेज इफ यू टॉक अबाउट एवरेज गाइस मतलब पूरे इंडिया का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो मैक्सिमम लड़कों को बुक पढ़ना पसंद नहीं है। मतलब जो आपके स्टडीज वाले बुक हो आपने बाई फोर्स पढ़ते थे ऐसे ही मतलब बस पास होने के लिए। तो भाई इतने सारे बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, जस्ट इमेजिन। ये आपके मैट जोन, देखो सो ये अभी जितना यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं ना, तो ये इतना दिन में होता नहीं। तो इफ़ यू आर लवर ऑफ पीस कि आपको इतना पॉपुलेशन शोर शराबा पसंद है, तो आप शाम को छोड़कर सुबह के टाइम में आकर चेकआउट कर सकते हो कि इतना भीड़ नहीं रहता। तो जनरली क्या होता है कि बाकी टाइम में आपके लोग वगैरह ना अपने ऑफिस से अपने कॉलेज से लेकर कि लोग भी है एंड आपको ये बता दूँ कि जैसे कि अगर इफ़ यू आर लवर ऑफ पीस लवर हो आप, अगर आपको शोर शराब पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप दिन के टाइम में आकर चेक कर सकते हो, इतना भीड़ नहीं रहेगा उस टाइम। बिकॉज जनरली क्या होता है कि आपके जो है ना लोग अगर अपने कॉलेज से अपने ऑफिस से लेकर ऑफ हो जाते हैं एंड दे कम ओवर हियर तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, तो आपके इतने सुबह इतना भीड़ नहीं रहेगा। तो इसके अलावा यहाँ के फेस्ट में जो आपका फेमस है, यहाँ के जो मेन इवेंट है जो स्टेज प्रोग्राम वगैरह होती है एंड अभी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम चल तो नहीं रहा फ़िलहाल, इफ़ अगर मैं ज़्यादा देर रुका तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल वो तो अभी शॉपिंग में बिजी है, ऐसा ना हो गया। तो फिलहाल ये तो आपके इस महीने के लास्ट के 29 तक चलेगा, ये बहुत टाइम है, आप आगे देख सकते हो एंड ये वो कहाँ गई यार, तो इसी दुकान में हो सकती है, अभी भी इधर बैठी है। सो अपने जो यहाँ पे घूम घूम के फाइनली आपके यहाँ पे एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है एंड विरासत आपके ये अपना हेरिटेज अपने जो कल्चर है ये अपने फेस्टिवल के साथ साथ यहाँ के परफॉर्मेंस फोक डांस के लिए बहुत फेमस है। सो अभी जस्ट एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है तो आपको मैं दिखाऊँगा।
अब मुझे लगा खत्म हो गया। आपका ये विरासत जो नाइट है पूरा वाइब्रेंट है, यहाँ पे आप यहाँ के इन्वायरमेंट फील कर सकते हो, पूरा फुल ऑफ लाइवलीनेस एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट। वहाँ आपका आइसक्रीम जोन, so he sees playing over there. तो VR का अभी देखता है, चलते अब हो गया यहाँ का छोटा टूर एंड इतना घूम लिया तो अब थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, थोड़ा भूख लेके एंड थोड़ा खा के आज भी इस छोटे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं एंड फिर अभी मिलेंगे किसी और नई जगह। इस चीज को खाने की बोल रहे हैं ठीक है, आपको ऐसे पकड़ में करना पड़ता है एंड इस टोकन से आप जाके आप ले सकते हो। तो यहाँ के अपना मेला का छोटा टूर खत्म हो जाता है एंड किसी भी मेला या किसी फेस्ट में खाने की बात आती है तो बिना खाने का तो मेला में वो मज़ा है ही नहीं। सो ये अच्छी बात है कि इस मेले में या जो फेस में कहे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके सारे अलग अलग ढाबे एंड लगे हुए, सो आप अलग स्टेट के आप यहाँ पे देख सकते हो, महाराष्ट्र के पंजाबी ढाबे एंड बिहारी ढाबे, अमृतसरी ढाबा, क्योंकि आपके जो राजस्थानी फूड स्टॉल तो आपके स्टार्टिंग में, और ये आपको ना यहाँ पे आके ऐसे कूपन लेना पड़ता है, फिर आप कूपन लोगे तो यहाँ लेकर आप कहीं भी जा सकते हो खाने के लिए। तो यहाँ पर आप लाइन लगे हुए थे स्पाइरल रोल, थोड़ा वो बनाना स्पाइसी। यहाँ का खाना हो या कल्चर हो, यहाँ की एनर्जी सब कुछ ट्रूली यूनिक है। विरासत का ये एक्सपीरियंस यादगार है और मैं तो ज़रूर यहाँ पे फिर आना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरा विरासत कल्चर फेस्टिवल का टूर एंजॉय किया होगा। लाइक शेयर एंड जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे एक नए सफ़र पर नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।